एनटीए की परीक्षा का विवाद इस समय पूरे देश में गरमाया हुआ है। परीक्षा को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं हैं, कुशंकाएं हैं, आरोप है, प्रत्यारोप है। लेकिन हम जबलपुर की मेडिकल यूनिवर्सिटी एक यूनिक तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसकी तारीफ मध्यप्रदेश के राज्यपाल ने भी की है और सारे विश्वविद्यालय ने की। हमारे साथ इस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं बघेल साहब, उनसे पूछते सर ये बताइए कि ये इतना सारा हल्ला मचा हुआ है एनटीए के एग्जाम को लेके, जो मेडिकल के एग्जाम है उसी पे विवाद मचा है, तो आपका एग्जाम का फूड पैटर्न फुल प्रूफ कैसे है, ये कैसे दूसरे विश्वविद्यालय एजेंसी के लिए नजीर बन सकता है? सर हम लोग जो क्वेश्चन पेपर डिलीवरी सिस्टम यूज करते हैं वो बिल्कुल ऑनलाइन है और आज तक कभी कहीं से कोई शिकायत नहीं आई इसको लेकर के। व्यवस्था ऐसी है कि जो हमारा क्यूपीडीएस है उसमें हम लगभग 5 क्वेश्चन पेपर सेटर से क्वेश्चन पेपर तैयार कराते हैं, बिल्कुल सिक्योरली ऑनलाइन ही वो रजिस्टर्ड होते हैं जो क्वेश्चन पेपर सेटर्स हैं, और ऑनलाइन ही डिजिटल माध्यम से वो अपना क्वेश्चन पेपर भेजते हैं। जिस दिन पेपर का डे होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10 बजे से सुबह पेपर है, तो 9 बजे हम विश्वविद्यालय में ही सिक्योर्ड रूम में, जो हमारा स्ट्रॉन्ग रूम है, वहाँ पे मॉडरेटर को बुलाते हैं। मॉडरेटर उन 5 प्रश्न पत्रों में से एक नया प्रश्न पत्र बनाते हैं, आधे घंटे के अंदर पूरा सारी प्रक्रिया की जाती है लगभग, और क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होने के आधे घंटे पहले पूरे प्रदेश में, क्योंकि मेडिकल यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है, सारे प्रदेश में मेडिकल, डेंटल, आयुष, पैरा मेडिकल, नर्सिंग सब के एग्जाम होते हैं, तो वो जो प्रिपेयर्ड क्वेश्चन पेपर है, नया क्वेश्चन पेपर आधे घंटे पहले जो बना है, उसको सिक्योर्ड तरीके से क्वेश्चन पेपर डिलीवरी सिस्टम के द्वारा सारे सेंटर्स में ट्रांसमिट किया जाता है, जो कि स्पेसिफाइड कंप्यूटर पे ही खुलता है, और ये डबल पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है। एक पासवर्ड सेंटर सुपरिंटेंडेंट के पास रहता है और एक पासवर्ड ऑब्जर्वर के पास रहता है। ऑनलाइन ही इनको अपना पासवर्ड डालना होता है। जब ये ऑनलाइन पासवर्ड डालते हैं तो विश्वविद्यालय को तुरंत पता चल जाता है कि इन्होंने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया है, ग्रीन टिक आ जाता है उस पर, और जिस पेपर, जिस सेंटर में ये पेपर डाउनलोड होता है और प्रिंट होता है उसका वाटरमार्क आता है उसके ऊपर। आज तक मतलब देखिए, स्टेट यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पेपर भेजना, मैनुअली भेजना, तो हमेशा वो एक रिस्क का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो काफ़ी लंबे समय से हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत ही सिक्योर और सेफली टाइमली क्वेश्चन पेपर पहुंच जाते हैं, हर जगह समय पर परीक्षा हो जाती है और आज तक हमें कभी इस तरह की शिकायत नहीं मिली है। और आई कैन से प्राउडली कि MPMSU जो है इस तरह की प्रैक्टिस करने वाले कुछ ही महाविद्यालयों में है जो डिजिटल प्रैक्टिस कर। तो ये जो मेडिकल मदरसे मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या, जिस तरह का विवाद मचा उस पर नजीर बन सकता है क्या, इसको अपनाया जा सकता है, पॉसिबल है क्या? बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। हम मेडिकल यूनिवर्सिटी कर सकती है जो स्टेट यूनिवर्सिटी, तो बाकी विश्वविद्यालय भी कर सकते हैं और बाकी जगह भी नजीर बन सकता है, बनना ही चाहिए। आजकल डिजिटल माध्यम से बहुत सारी चीजें हैं, इसी तरह विश्वविद्यालय जो वैल्यूएशन कराता है वो भी डिजिटल कराता है, पूरी कॉपियां डिजिटली वैल्यूड होती हैं, कहीं से कहीं तक कोई ट्रैक नहीं कर सकता कॉपियों को, 100% डबल वैल्यूएशन होता है, कोई रिवैल्यूएशन नहीं होता है, कहीं से कहीं तक पूरे सिस्टम में कोई एंटर नहीं कर सकता है, सारा लॉग जनरेट होता है। और डिजिटल जितनी चीजें हैं, जितनी भी तकनीकी का बेहतर उपयोग हो सकता है उतना करने का हम लोग प्रयास करते हैं, और निश्चित ही सबके लिए ये हो सकता है, अगर यहाँ हो सकता है तो हर जगह हो सकता है। जिस तरह का EVM को लेके बड़ा बवाल मचता है, ऐसा डिजिटल करेंगे तो इसको लेके तो नहीं भविष्य में बवाल मचने लगेगा? नहीं, अब वो तो खैर मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन तकनीकी का उपयोग होना चाहिए, बेहतर के लिए होना चाहिए। मैनुअल से तकनीकी पे आप जाते हैं तो जितना ज्यादा सिस्टम ऑटोमेटेड होगा, जितना ज्यादा आप उसको ऑटोमेटेड मोड में रखेंगे, जितना ज्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम होगा, उतनी ज्यादा विश्वसनीयता होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ये एग्जाम कितना बड़ा होता है, कितने स्टूडेंट इसमें अपीयर होते हैं, तो उसका साइज क्या है इस एग्जाम? जैसे अभी नर्सिंग की परीक्षाएं हुई हैं तो पूरे प्रदेश में लगभग 35,000 से 40,000 बच्चे बैठे हैं, लगभग 60-70 के आसपास सेंटर थे, छोटे छोटे कस्बों में सेंटर थे, नर्सिंग के कॉलेज कई जगह कस्बों में हैं, कई जगह हैं, तो ये मान के चलिए कि एक साल में कम से कम 3 से 4 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं, और इसी तरह 100+ एग्जाम सेंटर्स रहते हैं, और सब जगह पेपर सिक्योरली जाता है और वैल्यूएशन भी डिजिटली होता है।
तो जो कुलाधिपति के साथ बैठक हुई, सोना तारीफ भी मिली है। हाँ, हम लोगों ने वहाँ बताया माननीय को कि हम लोग डिजिटल की पीडीएस कर रहे हैं और डिजिटल वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल चर्चा हुई। तो देखिए, ये थे मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार बघेल जी, जो कह रहे हैं कि हमने जो डिजिटल तरीके से परीक्षा कराने और रिजल्ट का पैटर्न अपनाया वो फुल प्रूफ है, आज तक उस पर कोई शिकायत नहीं मिली। और इस तरह का पैटर्न अगर दूसरे विश्वविद्यालय या दूसरे संस्थान अपनाए तो निश्चित रूप से ये जो पेपर लीक किया जो इस तरह की बातें होती हैं, इन पर अंकुश लगाया जा सकता है।